हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? सो आज का दिन स्टार्ट करते हैं। आज है फ्राइडे और बस घर का सारा काम फिनिश करके मैं अब नहाने ही जाने लगी थी। उससे पहले मम्मी की किचन से आवाज़ आती है कि मैं कुछ बना रही हूँ, जल्दी से आओ और रिकॉर्ड करो, क्योंकि गाइस को शेयर करना है। आपको कल कमिट किया था उन्होंने कुछ, तो वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। रेसिपी क्या रेसिपी है आपको नवरात्रों में बहुत काम आने वाली है, अब आपको दिखाती हूँ। और हेल्दी भी है और बहुत अच्छी बनेगी। आइए, आपको मैं खा चुकी हूँ, हम लोग पहले ये 2-3 बार बना चुके हैं घर पे। आज मम्मी आपको रेसिपी देने वाले हैं, तो मिलवा देते हैं उनसे भी और रेसिपी शेयर करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू। लड्डू किस चीज के? तो आगे व्रत आ रहे हैं, तो बेटी व्रत रखती है, तो इसके लिए कुछ हेल्दी बना देते हैं। वैसे खाना वाना तो ये ज्यादा खाती नहीं है, एक ही टाइम खाती है, तो थोड़ा सा अपना हेल्दी स्नैक्स लड्डू बना देती हूँ मैं। तो मैं बना रही हूँ खजूर के लड्डू। आप कोई भी कटोरी सेट कर लें, या जितने आप बनाना चाहें उतने आप बना सकते हैं। मैंने एक एक कटोरी सारा सामान ले लिया। ये कटोरी बादाम है, ये छोटे वाले बादाम लिए मैंने, बहुत टेस्टी होते हैं। और एक कटोरी मैंने ले लिया काजू का टुकड़ा। तो हमने इनको तोड़ना तो है ही, तो इसलिए मैंने इनको टुकड़ों में ही ले लिया है। और ये कटोरी ली है मैंने ये अखरोट की गिरी, और थोड़े से ले लिए मैंने ये पम्पकिन सीड। और इनको ना मैंने अच्छे से कॉटन के कपड़े से ना अच्छे से पोंछ लिया था, कि मिट्टी वगैरह कोई गंदे मंदे अपना कुछ लगा ना हो, क्योंकि व्रत में खाना है तो थोड़ा अपना सफाई का भी ध्यान रखेंगे। तो इधर मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, तो आपको मैं और भी चीज दिखाऊंगी जिससे हम लड्डू बनाएंगे। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, तो इसमें डाल लेंगे हम देसी घी। इसको बनाएंगे हम देसी घी में, 1 चम्मच भर के मैंने ये देसी घी डाल दिया है। और अपना घी हमारा कढ़ाई गर्म है, घी गर्म हो गया। और सबसे पहले डाल देंगे हम इसमें ये बादाम। इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा भूनेंगे हम, तो भूनने के बाद ना टेस्ट अच्छा आता है। और इसे हम भून लेते हैं 1-1 मिनट के लिए, सारे ड्राई फ्रूट हम भून लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इन्हें भून लिया, अब डाल देते हैं इसमें ये काजू का टुकड़ा, इसे भी भून लेते हैं। तो काजू बहुत जल्दी भून जाते हैं, और साथ साथ मैं डाल दूंगी अखरोट की गिरी, इसे भी 1 सेकंड के लिए उलट पलट करते हुए भून लेते हैं। तो इन सबको मैंने 1 मिनट के लिए भून लिया, अब डाल देते हैं ये पम्पकिन शीट, ये भी भून लेते हैं। तो ये 1 मिनट के लिए मैंने भून लिया, सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने 1-1 मिनट भूना। तो बस अब गैस कर देते हैं बंद, और इन्हें निकाल लेते हैं बर्तन में। तो ये खजूर है, तो ये खजूर है ना आपको 12 महीने मिलती है एक, ये ना डब्बे में बंद आती है। मैं आपको डिब्बा भी दिखा देती हूँ, तो इस तरह की पैकेज में आती है। वैसे जो देसी खजूर होती है ना, तो सीजनली आती है, वो आती है सर्दियों में। तो ये वाले ले लिए, सॉफ्ट भी होते, लड्डू बनाने के लिए बहुत ही अच्छी है अपना। तो इसको मैंने पहले धोया है, कि धोनी बहुत जरूरी है, कि मिट्टी वगैरह डस्ट होती है। मैं हर एक चीज ना धो के, व्रत में खाना होता थोड़ा साफ सुथरा ही खाना चाहिए। तो इसको मैंने धो के इसके मैंने बीज निकाल दिए, बीज निकाल के इसको मैंने कॉटन के कपड़े पे रख दिया। अब इसे भी हम भून लेते हैं। तब थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें फिर से देसी घी, और अब हम भी डाल देंगे खजूर। इसका पानी बिल्कुल सुखा लिया है मैंने, अब इसको डालते हैं। खजूर के लड्डू हैं, तो खजूर तो डालनी ही है। तो इसे हम सिम गैस पे अच्छे से इसे भून लेते हैं। तो इसे कम से कम 10 मिनट लगेंगे, इसे अच्छे से बिल्कुल हलवे जैसे बन जाएगी। तो इस तरह हिलाते रहें और इसे भूनते रहें। ड्राई फ्रूट हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, गर्म था, तो इसे हम पीस लेते हैं मिक्सी में। आप चाहें तो इसको किसी कॉटन के कपड़े पे या किसी पॉलिथीन में या बैग आते हैं उनमें डाल के इसको मोटा मोटा कूट भी सकते हैं, और आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं। मिक्सी में हम इसे ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे, थोड़ा इसे दरदराई पीस लेंगे। तो सारे ड्राई फ्रूट मैंने मिक्सी में डाल दिए जार में। तो खजूर को मैंने अच्छे से भून लिया, इस तरह से देखो इकट्ठी होने लग जाए तो समझो आपकी खजूर भुन गई है। तो इधर मैंने ये देख मिक्सी में ये भी पीस लिया, और थोड़ा दरदराई रखा है, तो ड्राई फ्रूट दिखने भी चाहिए हमने क्या क्या डाला, और खाते हुए भी अच्छा लगता है। पीस रह गया तो इसे आप चाकू से काट भी सकते हैं,
इसके टुकड़े कर सकते हैं। वैसे काजू और तो ये देखो अच्छे से ग्राइंड हो गया है, बादाम दिख रहे हैं। बादाम को हम चाकू से ना इस तरह से काट लेते हैं, ऐसे। तो ये बादाम मैंने काट लिए हैं, कुछ रह गए हैं तो कोई बात नहीं। वैसे ज़्यादातर तो मैंने इनको काट ही लिया। और डाल देते हैं इसमें हम खजूर, बस। तो खजूर मैंने डाल लिया, अभी थोड़ी गर्म है तो आप इसे चम्मच ले लें, कोई भी पलटा ले लें। तो ये मैंने स्पैचुला लिया, इससे हम कर लेते हैं मिक्स, थोड़ी ठंडी हो जाए। खजूर ना गर्म बहुत होती है, हाथों पे चिपक भी सकती है, तो बस थोड़ी ठंडी होने के बाद इसे हाथ से मिक्स करूंगी मैं अभी। तो अच्छे से मैंने इनको इकट्ठा कर लिया, पहले मैंने चम्मच से किया, फिर मैंने हाथ से किया थोड़ा ठंडा होने के बाद। और थोड़ा ध्यान से बनाई, गर्म बहुत होता है, आपका हाथ जल भी सकता है। तो थोड़ा इसे ठंडा कर ले, जैसे आपको हाथ को टच कर सके। तो ये इकट्ठा कर लिया, अब लगा लेते हैं हम घी हाथों पे इस तरह से, और बना लेते हैं लड्डू, छोटे बड़े आप जैसे भी पसंद करें। तो इन्हें बना ले, देखो घी लगाने से कितनी शाइन आ गई है। तो घी जरूर लगाएं हाथ पे, एकदम शाइन आएगी और बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से लड्डू बना लेते हैं। तो आप पूरे व्रत में, आप जरूरी नवरात्रि में कोई भी आप व्रत रखते हैं, जैसे एकादशी होती है, और भी बीच में बहुत व्रत आते हैं, कोई मंडे का रखता है, कोई वीरवार का, कोई शुक्रवार का, तो इस तरह से बना के रख दें। दूध के साथ आप एक लड्डू खाएं, आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी और आपको भूख भी नहीं लगेगी, और टेस्टी भी बहुत लगते हैं। आप बनाइएगा ज़रूर, मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपने बनाए हैं तो कैसे बने। कोई भी आपको कुछ भी आपको लगे भाई नहीं बन पा रहे, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो इस तरह से हम बना लेते हैं।